रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों आज हम अपना अगला सबक शुरू करेंगे जो कि बहुत दिलचस्प है। आज हम पढ़ेंगे बुनियादी पेशे, सबक नंबर 4 बुनियादी पेशे। प्यारे बच्चों बताएं पेशे क्या होता है, पेशे क्या होते हैं? शाबाश, हमारे आसपास जो लोग काम करते हैं जैसे डॉक्टर, असातजा, दर्जी, मोची, बढ़ाई, पुलिस, ये सारे जो काम करते हैं इसके बदले उनको पैसे मिलते हैं और उन्हीं पैसों से वो अपनी ज़रूरतें पूरे करते हैं, ठीक है। और उन इन लोगों को अपने काम में महारत हासिल होती है, मतलब वो अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे बुनियादी पेशे, उसमें पहले सबसे पहले है डॉक्टर। बच्चों बताएं डॉक्टर क्या काम करते हैं? मरीजों का इलाज करते हैं, शाबाश, ठीक है। आजकल जो हालात है आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग बीमार होते हैं, तो उन सब का इलाज कौन करता है? डॉक्टर करते हैं, शाबाश। उसके आगे है पुलिस। पुलिस क्या काम करते हैं? हमारी हिफाजत करते हैं, ख्याल रखते हैं। आगे मोची, मोची क्या काम करता है? बच्चों बताएं आप लोग मोची के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हमारे जूते मरम्मत करता है, ठीक है। और आगे क्या है? बढ़ाई। बढ़ाई जो है वो लकड़ियों से चीजें बनाते हैं, जैसे कुर्सी, दरवाजे, मेज, हमारे जो बोर्ड, ये सारी जो चीजें आसपास आप लोग देख रहे हैं ये सारी बढ़ाई ने बनाई है, ठीक है। उसके बाद क्या है? डाकिया। डाकिया क्या काम करता है? आप लोगों के घर डाकिया आता है? कुरियर वाले जो होते हैं आजकल वो आपके घर आते हैं, आपका खत लेकर आते हैं, शाबाश, ठीक है। अगला है कसाब। कसाब क्या करते हैं? मार्केट में आप लोगों ने देखे होंगे कसाब, तो वो क्या काम करते हैं? गोश्त फरोख करते हैं। आज कल जो ईद आ रही है, कुछ दिनों में ईद आ रही है, तो उसमें हम कसाब से क्या काम करवाएंगे? बकरी, गाय जो जी बच्चों, कसाब को हम कसाई भी कहते हैं, ठीक है। ईद पर हम कसाब से बकरी और गाय जो होती है वो ज़बह करेंगे, कुर्बानी के जो जानवर होते हैं वो ज़बह करेंगे, ठीक है। अगला है किसान। किसान क्या काम करते हैं? किसान अनाज उगाता है। हम जो रोटी खाते हैं वो गंदम से बनाई जाती है, तो गंदम कहाँ से आता है? गंदम खेतों से आता है, और खेतों पर ये कौन बोता है बीज? किसान, ठीक है। प्यारे बच्चों ये सारी जो है ये बुनियादी पेशे हैं और ये लोग हमारी मदद करते हैं मुख्तलिफ कामों में, ठीक है। और इनकी हम सब ने इनका एहतराम करना है, शाबाश जी। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं मश्क की तरफ। मश्क में सवाल नंबर 1 है सवालात के जवाबात लिखें। सवालात जवाबात में पहले नंबर पर है लोग क्या क्या अहम काम करते हैं। जी बच्चों बताएं सबक में हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन से काम करते हैं लोग? मोची जूते मरम्मत करता है और धोबी कपड़े धोता है, ठीक है। जवाब, लोग मुख्तलिफ अहम काम करते हैं, जैसे धोबी कपड़े धोता है, लोहार लोहे
लोहे से बर्तन बनाता है। मोची जूते मरम्मत करता है। ठीक है, अगला सवाल है, ये सारे काम क्यों अहम है? जी बच्चों बताएं ये सारे काम क्यों अहम है? क्योंकि इन कामों से दूसरे लोगों को फायदा पहुंचता है। ये सारे काम इसलिए अहम है क्योंकि इन कामों से लोगों को फायदा पहुंचता है। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, लोग काम क्यों करते हैं? जी बच्चों बताएं लोग काम क्यों करते हैं? रोजी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। लोग रोजी कमाने के लिए काम करते हैं। जी अगर लोग काम ना करें तो क्या होगा? जी बच्चों बताएं अगर लोग काम ना करें तो क्या होगा? उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनको उनकी जिंदगी मुश्किल होगी। ठीक है, अगर लोग काम ना करें तो जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। जी बच्चों सवाल नंबर 5 है, काम को पूरी ईमानदारी से करना क्यों जरूरी है? जी बच्चों बताएं काम को पूरी ईमानदारी से करना क्यों जरूरी है? ताकि अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत डाले और दूसरे लोगों को कोई नुकसान ना हो। जवाब है काम को पूरी ईमानदारी ईमानदारी से करना इसलिए जरूरी है ताकि अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत डाले और किसी का नुकसान ना हो।
ठीक है। अगला सवाल है जुमले मुकम्मल करें, सफा नंबर 16 पर है जुमले मुकम्मल करें। कौन क्या काम करता है उसके मुताबिक हमने जुमले मुकम्मल करनी है। नंबर 1, आप लोगों को मिसाल दी गई हजाम बाल बनाता है, इसी तरह हमने बाकी जो जुमले हैं वो मुकम्मल करने हैं। माहिगीर क्या काम करता है, बच्चे बताएं माहिगीर क्या काम करता है। आप लोगों ने सबक में क्या पढ़ा था, मछलियां पकड़ता है, शाबाश। मछलियां पकड़ता है, मोची। जी बच्चों बताएं मोची क्या काम करता है, जूते मरम्मत करता है, शाबाश। जी डाकिया क्या बताया था मैंने आप लोगों को, डाकिया क्या काम करता है, खत लाता है, शाबाश। खत लाता है जी। अगला है दर्जन, दर्जन क्या काम करती है, कपड़े सीती है, शाबाश। कपड़े सीती है जी। बड़ाई क्या काम करता है, लकड़ी से चीजें बनाता है, लकड़ी से चीजें बनाता है जी। आखिरी है लोहार, लोहार क्या काम करता है, शाबाश, लोहे से बर्तन बनाता है, ठीक है। ये था आप लोगों का मश्क, आगे बढ़ते हैं घर के काम की तरफ। घर के काम के लिए आप लोगों का है सफा नंबर 17, उस पर सवाल नंबर 1 है मिलाएं। आप लोगों को अल्फाज दी गई है उसको आपस में मिलाना है। दूसरा है मोनस लिखें, मुजक्कर आप लोगों को दी गई है, मोनस उसके साथ आपने लिखना है और जुमले खाली जगह पर करनी है, ठीक है। आप बहुत आसान है, वर्ड्स आप लोगों को अल्फाज दी गई है, उससे वही अल्फाज सही अल्फाज चुनना है और वही लिखना है, ठीक है। ये आप लोगों का काम है घर का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।